आपसे नमस्कार। मेरा नाम गगनप्रीत कौर है। मेरा नाम सुखदीप कौर है। हमारे स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल पंजेटा है। हम आपके सामने एकता की शक्ति कहानी पेश करने जा रहे हैं। एक दिन एक तालाब के किनारे एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा आपस में बात कर रहे थे। तभी शिकारी से बचते बचते एक हिरन वहां आ पहुंचा और उनका मित्र बनने उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरन जब खाना खाने लेने गया और जंगल में वापस नहीं आया तो कौवा आसमान में उड़कर हिरन को ढूंढने लग गया। जंगल में कुछ दूर शिकारी ने जाल फंसा हिरन कौवे को देखकर चिल्लाया और बोला, कौवा भैया, शिकारी के आने से पहले कृपया मुझे किसी तरह से इस जाल से बाहर निकालो। कौवा तुरंत बाकी दोस्तों के पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई और चूहे को हिरन से पास ले गया। चूहे ने अपने तीखे दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतर दिया। इस समय शिकारी भी वहां आ गया। जाल कुतरता देखकर हिरन को गायब देखकर शिकारी हैरान रह गया। शिकारी को देखकर सभी जान बचाकर भागने लगे। कौवा उड़ गया, चूहा पत्थरों के नीचे छुप गया, कछुआ धीरे धीरे से वहां जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन उसकी सुस्त चाल के कारण शिकारी ने उसे थैले में डाल दिया और लेकर वहां से चल पड़ा। सभी मित्र ने कछुए को बचाने का उपाय सोचा। कौवे ने उपाय बताते हुए कहा, हिरन तुम तालाब के पास मृत्यु होने का नाटक करो, मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा। शिकारी तुम्हें मृत्यु समझकर अपना थैला छोड़कर वहां आएगा और शिकारी के पास आने से पहले तुम वहां से भाग जाना। तभी चूहा थैला कुतरकर कछुए को बाहर निकाल लेगा। तभी शिकारी वहां से गुजरा और उसे मृत्यु समझकर तुरंत थैला वहीं रख दिया और हिरन को पकड़ने चला गया। शिकारी को पास आता देखकर हिरन बिजली की तरह वहां से दौड़ गया। उधर चूहे ने थैला कुतरकर कछुए को बाहर निकाल लिया। शिकारी जब वापस थैले के पास आया तो वहां कछुआ गायब था। थैले को कुतरा हुआ देखकर खाली देखकर शिकारी बहुत निराश हुआ। कौवा, कछुआ, हिरन और चूहा फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शिक्षा: एकता में बहुत शक्ति होती है। यह कहानी एकता की शक्ति के बारे में दर्शाती है। इसमें कछुआ, चूहा, कौवा और हिरन चार मित्र थे। ये चारों एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे शिकारी ने हिरन को अपने जाल में फंसा लिया था तो चूहे ने उसका जाल कुतरकर हिरन को बाहर निकाल लिया था। ऐसे ही कछुए को शिकारी ने एक थैले में डाल लिया था तो चूहे ने ही उसका थैला कुतरकर उसको बाहर निकाल लिया था। एकता में बहुत शक्ति होती है। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।